आप देख रहे हैं झारखंड म्यूजिक एक्सप्रेस। चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिल्कुल नारकीय स्थिति में जीने को विवश है। कोई भी सरकारी नुमाइंदा, सरकार का कोई ऑफिसर, कोई नज़र नहीं आ रहा है। और आप देखिए कैसे लोग जिंदगी जीने को विवश हैं, बिल्कुल एक जल कैदी की भांति। आप अनुमान लगाइए कि क्या इनकी ज़िंदगी पे या कैसे ये जीवन जी रहे होंगे। पप्पू जी, इसका कैसे आकलन करते हैं? सर, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। सर जो स्थिति है सर, मैं इसमें सिर्फ इतना कह सकता हूँ, इसका आकलन भगवान ही लगा सकता है, इंसान के बस की चीज नहीं है। कहीं कहीं गाय, कहीं सुगर, कहीं आदमी, कहीं कुत्ता, कहीं बच्चे का सब। सर क्या होगा इसकी स्थिति, इसका अंदाजा ईश्वर है यदि तो उसको कृपा कर लेना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। मैं ये आप देख लीजिए स्थिति। प्रणाम सर। जीने के लायक एक भी घर में इंसान नहीं, एक भी लोग जीने के लायक नहीं। कहीं पानी नहीं, कहीं खाना नहीं। सर ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मेरा, मैं एक इंसान के नाते, इन नेताओं को आत्महत्या कर लेना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जीने का राइट नहीं है। और मुझे लगता है कि इन नेताओं को अब आम पब्लिक को जल्लाद बन करके, लोकतंत्र और संविधान समाप्त हो गए। ये जल्लाद है ये नेता। रोकिए, पानी पूछिए, पानी पूछिए, पानी रोको, रोकिए, तो जिम्मेवार है, रोकिए पानी, यदि रोकिए। सर सत्ता पक्ष, सर विपक्ष है। सर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, विपक्ष तो कब से नहीं है, न सदन में, न मुजफ्फरपुर में, न इससे पहले बार में, न समाज में, न इंसान में। पानी दो। सर अब हम ट्विटर स्थिर से, ट्विटर बुआ है, पानी दो। नाटक करते हैं पानी देने में। सर मैं स्थिति कुछ नहीं कह सकता हूँ, बहुत बुरी स्थिति है सर। प्लीज सर, मैं कह नहीं सकता हूँ, पानी के लिए तरस जाए पटना, उसके बाद कुछ नहीं बचता कहने के लिए। जो पटना पानी और जिंदगी की भीख मांग रहा हो, रात रात भर मैंने लोगों को निकाला है सर, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। तीन तीन दिनों से बच्चे भूखे हैं सर। सर विधायक रहे, 5 बार एमपी रहे, नर्क हर साल नर्क बनते देखा। पानी भेजिए, जो पानी 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 रुकिए, कोई हो पानी भेजो। वीआईपी रहेगा तो क्या करेगा, कोई सर रहे। बहुत बुरी स्थिति सर, खराब। पानी दो, उतरो सब जगह। आखिर इसके ये जो सिचुएशन सर, ये सिचुएशन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, समाज भी कम दोषी नहीं है सर। ये नगर निगम बीजेपी, चारों विधायक बीजेपी, गैंगटॉक में मजे ले रहे हैं, एमपी बीजेपी, 17 साल नीतीश कुमार, 17 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू जी, 32 साल के बाद आम आदमी को मरने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने। अब आत्महत्या के अलावे बिहार की जनता के पास कोई चारा नहीं। सर ये आप देश से पूछ लीजिए, जो स्थिति, गुलकोंडी दीजिए, गुलकोंडी, जो इस ये 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 महानायक दिल्ली में, ये भारत के नेता नहीं है। और पानी दो, गुलकोंडी दो। अब ये स्थिति देखिए कि भारत के बाहर के नेता तो महानायक होते हैं, लेकिन बिहार की चिंता जब होती है, 4 दिनों के बाद हेलीकॉप्टर याद आता है और यहाँ के पदाधिकारी लूटने में लगे रहते हैं, पिकनिक मनाते हैं, वीआईपी लोगों को खाना पहुंचाते हैं, निकालने में लगे रहते हैं। सुशील मोदी के बारे में कह दिया,
और हर लोगों की हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये जो पढ़े लिखे पैसे वाले लोग हैं उनसे पूछिए। वैसे तो पटना में पैसा और अमीर गरीब अब कोई एक नहीं रहा, सब बराबर हो गया, सब हाथ पसारे हुए हैं। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन जो पटने से कमाते हैं उनसे पूछिए। पानी भेजो ना यार, सबको भेजो, उतरो।